अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी दुबई से सफ़र चालू हो चुका है। बहुत धूप है इधर, फिर भी मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा धूप है। इधर रहने वाला को थोड़ा कम हो गया अभी धूप। अभी मैं बुर्ज खलीफा के पास हूँ, आप देख रहे हैं। ये शायद फाइनेंशियल स्ट्रीट क्या कि नाम है रोड का। इंशाल्लाह यहाँ से अबू धाबी को 140 किलोमीटर है, बट रोड में चलने को ना परमिशन नहीं है, अगर को बता रहा है। बट मेरे को जाना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। फिर घूम को जाने को बहुत लॉन्ग हो जाएगा। उसको जैसे मैं देखो ये पार्क का अंदर से सभी घुमा को आ रहा है, बट पुलिस देखे तो फाइन डाल रहा है, बता रहा है। फिर पता नहीं अभी तक मेरे को फाइन नहीं डाला, फिर उसको बताना है। हम लोग ऐसा बोल को कंसल्ट ऐसे ऐसे आज को जा रहा है, बोल को चलने वाला करके बोलना, फिर उसका मर्जी, उसका डिपेंड में रहता है। फाइन डालना है क्या नहीं डालना है बोल को, उसको डिपेंड में रहता है। अभी यहाँ से क्रॉसिंग कैसे करना है मेरा पता नहीं हो रहा है। आपको आवाज़ दिख रहा रहेगा बहुत ज़ोर से, वो शेख जायद बहुत ज़ोर से आवाज़ दिख रहा है आपको। यहाँ पर पुलिस पूरा है शायद। नीचे आवाज़ आ रहा है ना, ये गाड़ी का है, इतना तेज़ में जा रहा है इधर गाड़ी। तब नहीं अभी कहाँ से जाना है मैं सोच रहा है। फ्लाईओवर बहुत है, अभी मेट्रो स्टेशन के रूट में गए तो अगर मेरे को मिल जाएगा शायद। देखेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा आगे जाको, थोड़ा आगे क्रॉस करने का कैसे रूट है, क्या तरीका है देखना है पहले। ये बुर्ज खलीफा इधर साइड में दिख रहा ना, ये बुर्ज खलीफा है। एक्चुअली मेरे को जाने का रूट यही है, वो अबू धाबी से आने का है, शेख जायद रूट शायद। अभी यही रूट में जाना है, अभी देखना आगे तक किधर तक जाने का होता है। बोलते पार्क के अंदर से घुस को पूरा आ रहा है। अभी उस तरफ मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से देखना है कैसे जाना है बोल को। ओके इंशाल्लाह। अभी फाइनली दुबई का वाटर चैनल कर को क्या कि बोलता है, वाटर पार्क शायद वहाँ पर रिच हो गया है। अभी यहाँ से फिर ऊपर पर क्रॉस करना पड़ेगा, अभी उस तरफ तो दिख रहा रहेगा। ये पानी का एक मिडल में है क्या, ये ऊपर फ्लाई ओवर है। अभी ये ऊपर जाको, इसके ऊपर फिर चढ़ को क्रॉस करना पड़ेगा। ये शेख जायद रोड है, इस तरफ मेट्रो है। नीचे पानी का मैं नीचे बताया ना, अभी ऊपर से क्रॉस कर को, अभी ऊपर से फ्लाई ओवर क्रॉस हो रहा है, इधर से पानी गिर रहा है। सिस्टम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आपको दिख रहा रहेगा। ये हाईवे है एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं ईशा का नमाज़ पूरा हो गया। अभी दुबई से बाहर आ चुका है ऑलरेडी। हाँ, पीछे दिख रहा है मेरा दुबई सिटी है, बुर्ज खलीफा, और उधर का थोड़ा बिल्डिंग्स अभी पीछे दिख रहे ना वो है। अभी मैं दूसरा हाईवे से इस तरफ हाईवे में निकल रहा है, नॉर्मल हाईवे से, उधर बहुत व्हीकल है, उसको जैसे ये रूट में निकल रहा है। अभी आज रात को रुकने का देखना है, अभी टाइम 9:04 हो गया, उसको जैसे अभी रात को थोड़ा देखना है रुकने का रूम अगर बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं सिटी से बाहर आ चुका है ऑलरेडी, तो मुझे सिटी से बिल्कुल चलने को नहीं होता है। आपको इधर दिख रहा, पूरा दिख रहा रहेगा। ये हाईवे है, छोटे से हाईवे है, मस्जिद वगैरह है, बट अगर कोई मिल गया तो उसको पूछ को बैठना पड़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इंशाल्लाह आज मैं चलने के टाइम लेट हुआ था, सुबह को 12 बजे 1 बजे को स्टार्ट किया सफ़र, उसको जैसे थोड़ा रेस्ट पूरा मिल चुका है, थोड़ा दिन रेस्ट में था ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे इंशाल्लाह, कोई ना कोई रूट मिलेगा। नहीं तो पेट्रोल पंप में मीन्स साइड में नमाज़ पढ़ने का जगह रहता है, नमाज़ पढ़ने का प्लेस रहता है, वहाँ पर सोने का अच्छा प्लेस रहता है, रूम को जैसे रहता है वो प्लेस देखना है। यार बिल्कुल रूम वगैरह बिल्कुल नहीं है, वो भी ये रोड में बिल्कुल नहीं है, और वो रोड में भी नहीं है। क्यों बोले तो
उधर पूरा ऑफिस का बिल्डिंग है पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे पे पूरा। इंशाल्लाह यहाँ से अभी एक 120-130 तक है अबू धाबी के लिए, बट अबू धाबी में जंक्शन अंदर जाने वाला बिल्कुल नहीं है। मैं दुबई अंदर जाकर बहुत परेशान लिया है, उसको जैसे मैं बाहर हाईवे से निकल कर सीधा अलबत्ता रोड में जाने वाला है। इंशाल्लाह दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं अभी अब टाइल बोलने के गांव में है, अभी मेट्रो स्टेशन में बैठा था उधर नीचे, उधर बैठने के चेयर से भरा था, बहुत धूप है। अभी यहाँ से नीचे जाना है, ये रास्ते से जाना है, इधर से सभी क्रॉस करने नहीं होता, पुलिस देखो तो फाइन डालता है, बट मेरे को दूसरा ऑप्शन नहीं है इधर से, नहीं तो घूम को बहुत दूर से जाना पड़ेगा, उसको जैसे ये रूट में इधर से जस्ट जमकर को जाना ही पड़ेगा। और इंशाल्लाह थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा रेस्ट लेना है, अभी टाइम 10-11 बजे तक हो गया, थोड़ा रेस्ट ले को उसके बाद में जाना है, सफ़र चालू करना है। मैं आपके इधर का पीछे का ये दिखा देगा, देख ये रूट से आया था, ये रूट से आकर अभी इधर नीचे जाकर फिर वहाँ से फिर वो स्ट्रेट रूट पे जाना है, वो ये मेट्रो का रूट है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। एक और थोड़ा किलोमीटर ऐसे रहता है, पूरा बहुत बड़ा सिटी है। ये मैं यहाँ से नीचे उतर दिया, दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे को, ये करना पड़ेगा। अगर पुलिस मिल गया तो क्या, तभी बोलना है फाइन डालना, तो फाइन ही डालना देना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी नीचे उतर के हो गया, अभी इस तरह से फिर ये इधर से कंटिन्यू करना है। अभी मेरे को स्ट्रेट जाने को नहीं है, ये क्रॉस करना पड़ेगा अभी, बट बहुत केयरफुल में रहना है, गाड़ी वगैरह बहुत स्पीड में रहता है, बट नहीं मेरा केयरफुल में आराम से बैठ जाना है। अभी अंदर एंटर हो गया, ऊपर से आया मैं, ऊपर से रोड से नीचे रोड आकर फिर इधर से क्रॉस किया। एक्चुअली रोड है उस तरफ जाना पड़ेगा, बहुत दूर है, फिर वो लॉन्ग से पड़ता है मेरे को, बट उधर से गए तो अच्छा था, क्यों बोलो तो मस्जिद वगैरह, आप ये छोटे छोटे ग्रोसरी शॉप और खाने का चीज़ हर चीज़ मिलता है। ये रूट में रहते अभी मेट्रो जा रहा है, ये रूट में गए आ गया तो क्या भी नहीं मिलता, क्यों बोलते ये बहुत बड़ा बिल्डिंग रहता है, इधर ऐसा छोटा छोटा दुकान ये सब नहीं है इधर ये एरिया पे। इसको जैसे अभी थोड़ा किलोमीटर तक मैं ये रूट क्यों चूज़ किया बोला तो एक सिटी है। और एक चीज़, कल रात को आप पीछे का वीडियो देखा ना, वो कल रात का है, कल रात को तो वही रूट में आया था, अभी वो रूट में थोड़ा आगे गया तो मरहूम मिलता है पूरा, उसकी वजह से मैं ये रूट अंदर लिया है। नज़दीक इस तरफ इधर से 1 किलोमीटर उस तरफ गए तो दूसरा एक रोड मिलेगा, हाईवे ये शेख जायद रोड दिख रहा ना, बहुत ट्रैफिक है, शेख जायद रोड है ये। अभी फिर क्रॉस करना पड़ेगा, फिर इधर डिवाइडर रखा है, देखेंगे इंशाल्लाह थोड़ा आगे जाएंगे जा तो क्या होता, बट ये रोड ऑप्शन है मेरे, दूसरा ऑप्शन नहीं है। इधर तो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन में ना अंदर बैठ सकता है, एसी आराम से, एसी भी कूल, थोड़ा गर्मी, अभी गर्मी थोड़ा कम हो रहा है, सब लोग बता रहे अभी पहले का गर्मी नहीं है, आप अभी अच्छे क्लाइमेट में आ गया। उसके बाद अलबत्ता अभी एक तो अबू धाबी पास होने के बाद है ना पूरा मरूम है, अलबत्ता तक, अलबत्ता से फिर है ना एक मस्जिद है, अलबत्ता से बाद एक मस्जिद है 200 किलोमीटर के बाद, फुल मरूम है 200 स्ट्रेट रोड। अभी उसका क्या है प्लान अभी देखना है, नहीं तो किसी के कॉन्टेक्ट करा को वहाँ से फूड के लिए। रात को रुकने का कोई दिक्कत नहीं, मैं रोड साइड में सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, उसमें कोई फर्क प्रॉब्लम नहीं है। सो को 3 दिन में मैं 200 किलोमीटर कैसे भी 70-70 मार को सुबह जल्दी जल्दी सफ़र सब 3 दिन में अच्छे से चल को, उसके बाद वहाँ पर जाकर रेस्ट लूँगा 1-2 दिन, वैसे तो थोड़ा कम्फर्टेबल होता है, रेस्ट लेना है, रेस्ट लिया तो सही होता है, कितना भी चला तो भी। उसके वजह से अभी उधर का भी प्लान देखना है, अलबत्ता का पास होने के बाद का क्या करना है, बोल क्यों बोले तो 200 किलोमीटर के बाद मिलता है मेरे को 198 समथिंग किलोमीटर अलबत्ता से बाद, उसके मिडल में क्या अभी एक गाड़ी से भी रहता है, उन लोग अगर टेंट कर रहता तो उसके पास तो सभी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह है, अल्लाह बड़ा है, अभी तक इधर तक पहुँचा दिया और थोड़ा किलोमीटर है अलबत्ता का एंट्रने के बाद हमारा नबी का
देश आ गया हमारा नबी का। या अल्लाह देखो यहाँ से चल रहा है इंशाल्लाह, कोई परेशान कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इधर भी सेम नेट का इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत पैसा है अभी एक्चुअली 199 दिरहम पैसा डाला था, मींस गांव का पैसा कितना होता है हमारा इंडिया का पैसा तो 199 समथिंग 4000 का ऊपर होता है, 4000 समथिंग होता है, 4000 के ऊपर ही होता है। उसका वजह से अभी फिर वो ख़त्म हो गया, अभी फिर मैं जस्ट रोमिंग रिचार्ज था। थोड़ा आगे जाकर मोबाइल शॉप में 199 फिर रिचार्ज करना पड़ेगा, इधर बहुत एक्सपेंस है रिचार्ज के लिए। इधर ही मेरे को इंडिया का मिनिमम 10,000 तक हो गया। अभी देखो गाड़ी बहुत गाड़ी आ रहा है, अभी इधर क्रॉस करने की थोड़ा मुश्किल है। इंशाल्लाह आगे देखेंगे, थोड़ा थोड़ा अरबी सीख गया, मुश्किल मुश्किल बोलते हैं अभी, कौन सा गाड़ी भी नहीं है। अल्लाह इधर से क्रॉस होकर फिर एक डिवाइडर क्रॉस होना है, उधर एक और एक डिवाइडर है वो भी क्रॉस होना है, देख रहा ना, वो भी क्रॉस होने के बाद डिवाइडर नहीं है। इंशाल्लाह देखेंगे आगे आगे जाएंगे। अब ये एक रोड क्रॉस करना पड़ेगा, देखो गाड़ी बहुत है। ये एक्चुअली शेख जायद रोड से अबू धाबी से आने का गाड़ी, ये पूरा आ रहा है गाड़ी, वो शेख जायद रोड एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे में कितना गाड़ी है देखो, वह फिर भी ट्रैफिक भी हो चुका है, बहुत बहुत गाड़ी है। मेरे को भी ये इधर से फिर उस तरफ चल तो फिर वो मट्टी में जाना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे को, क्यों बोलो नज़दीक नज़दीक देखना ही पड़ेगा। बट ये पास करने का नहीं है इंडिया में, इधर दुबई में ऐसे सभी, फिर भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, बोलते मैं ऐसा कर रहा है, आगे देखना है अभी देखो। ओके इंशाल्लाह दुआ करो। उधर से क्रॉस होकर इधर काम चल रहा है, ऊपर का मेट्रो है, इधर काम चल रहा है, आपको दिख रहा रहेगा इधर पूरा काम चल रहा है। ये शेख जायद रोड है, इसमें पूरा ट्रैफिक ही है, एक रोड में खाली एक साइड जाने के लिए 6-7 है, शायद 6-7 नहीं ज़्यादा ही है, 8 तक है, 8 तक रोड है, फिर भी ट्रैफिक है। अभी इधर पूरा काम चल रहा है, इधर से एक एग्जिट उधर तक एग्जिट होने का है, उधर मेट्रो स्टेशन दिख रहा है ना उधर, थोड़ा भी बैठना है थोड़ा, बहुत गर्मी लग रहा है, थोड़ा रेस्ट ले को। एक्चुअली मेरा बैग भी गया है, मेरा बैग है ना टायर पूरा गया, मेल्ट हो गया हीट में, वो सऊदी बॉर्डर के बाद से मैं पूरा हाथ में नीचे से टायर में लेके आया, बहुत हीट हो को गर्मी हो को ये हो गया। अभी नया बैग मेरा घर के पास समद कर को है, मेरे घर के बगल का घर वाला है, उनको मैं बोल चुका है, उन्होंने उनका कज़िन एक नासिर उनको साथ लेके आने को बता दिया, वो लेके आएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी शेख जायद रोड को एंट्री हो चुका है, क्यों बोले तो ऐसे ही करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं तो घूम को उस तरफ के घूम को सभी आना पड़ेगा, अभी फिर शेख जायद को फिर आगे से फिर लेफ्ट होकर सर्विस रोड में जाना पड़ेगा। ये दुबई का आरबार है, आपको दिख रहा रहेगा, इसका उस तरफ समंदर है, इसमें गाड़ी बहुत फास्ट रहता है, 60 से 100 के ऊपर ही रहता है इसका, बहुत फास्ट रहता है, इसलिए बहुत सामान को देख को जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं येल्लो इसका इस तरफ जा रहा है, फिर भी हमारा केयरफुल, हम लोग बहुत केयरफुल में सामान को जाना पड़ेगा। गाड़ी वाला कैसे आ रहा है, हम लोग सही रहते तो आगे वाला कैसे रहता है हम लोग पता नहीं रहता है, उसको जैसे थोड़ा केयरफुल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैग पूरा चेंज हो गया, ये बैग में वजन ही नहीं है, वो बैग बहुत वजन था बट वो बैग भी बहुत बड़ा था, ये बैग थोड़ा छोटा है, फिर भी मेरे को वेटलेस क्या भी पता ही नहीं हो रहा है, ये बैग पैदल को जाने के टाइम मैं बैग डाला क्या नहीं डाला क्या पता भी नहीं हो रहा है, ये मैं मेट्रो से नीचे ही जाना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन है, उसको जैसे सिर पूरा नीचे को जा रहा है। सच बहुत खुशी हो रहा है, क्यों बोलते ना वो बैग में बहुत वजन हुआ था, क्या भी नहीं, मैं फिर भी मेरा उन्होंने आया था, मेरा फ्रेंड भी आया था और सूर्य कुमार के ताजुद्दीन करके है, उन्होंने भी आया था, उसको मैं फिर भी 10 बार पूछा है
मेरा आइटम क्या कि वो बैग में बाकी हुआ क्या, थोड़ा चेक करो बोल, क्यों मतलब उतना कम हो गया वजन, वो बैग बहुत वेट था, वही है बैग बहुत वेट था, उसको ऐसे ऐसा हो गया कि इंशाल्लाह अभी इधर और एक 15 किलोमीटर चलना है, रात 9 बजे तक चलूँगा इंशाल्लाह, उसके बाद रुकने वाला हूँ, उसके बाद सुबह तो जल्दी चलना है क्योंकि कल मरूँ मैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज़ थोड़ा बहुत कम आ रहा है। अभी मैं हाईवे पर हूँ, बहुत तेज़ में गाड़ी जा रहा है, आपको उधर दिख रहा रहेगा लाइटिंग्स पूरा, वो हार्बर है शायद, हार्बर का मैप में हार्बर दिख रहा है, शिप आने का जगह है माशाल्लाह। अभी टाइम 8 बजे नज़दीक हो गया, अभी और एक 4 किलोमीटर चलना है। आवाज़ बहुत, गाड़ी का ही आवाज़ आ रहा है, इतना तेज़ में चल रहा है। अभी बैग का वज़न भी थोड़ा कम हो गया, आपको दिख रहा रहेगा, छोटा सा बैग, छोटा है बैग, बहुत खुश हो रहा है लेके जाने के भी खुश हो रहा है इंशाल्लाह। इधर कोई बैरिकेड, कोई मिडल में गेट वगैरह क्या भी नहीं है इंशाल्लाह। अभी जाकर स्टे करूँगा जल्दी, इधर एक पेट्रोल पंप देखा है इमारत कर को, दूसरा क्या भी नहीं है इधर, इधर जा खाली शोरूम वगैरह है और कोरियर कॉफीज, उस तरफ शिपमेंट शिप है ना, उधर का कार्गो सब भी रहता है, उसका इधर सभी वही है ऑफिस का ही है, दूसरा वगैरह इधर रूम सभी नहीं है। अभी इंशाल्लाह इमारत करके एक पेट्रोल पंप मिल रहा है, उधर मिल जाएगा, उधर नमाज़ पढ़ने का जगह रहता है, अगर मस्जिद रहा तो उधर नज़दीक में नहीं रहेगा, अगर मस्जिद नज़दीक में पेट्रोल पंप के नज़दीक नहीं रहा तो उधर बिल्कुल रहेगा, क्यों बोला तो हर पेट्रोल पंप में इनका रहता है, वो थोड़ा हेल्पफुल होता है इंशाल्लाह। देखेंगे आगे जाकर।